तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने फ़ोन में एम रिवॉर्ड इस मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो चला रहे हो और अगर आपका एम रिवॉर्ड सही से काम नहीं कर रहा तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एम रिवॉर्ड्स जो है काफ़ी सारे लोगों का सही से काम नहीं कर रहा या फिर वर्क नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ तो करते हैं बट दिक्कतें उसमें काफ़ी सारी आ रही है, ठीक है, वो वीडियो देखिए वगैरह, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ तरीके मैं यहाँ पे बताऊँगा, तो फॉलो आपको उसे ज़रूर करना है, आपकी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको एम रिवॉर्ड को जो है प्ले स्टोर पर जाकर चेक करना है कोई अपडेट वगैरह है क्या। अगर आपको यहाँ पर कोई अपडेट आ रहा है दिखा रहा है तो आप इसे यहाँ से एक बार जो है अपडेट अवश्य करवा लीजिए। अपडेट आपको यहाँ से ज़रूरी से करवा लेना है। अपडेट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी, दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी आप जो है एक बार फ़ोन की सेटिंग खोलिए, यहाँ पे आने के बाद सेटिंग में आएंगे आप अपने फ़ोन की और यहाँ पे एप्स एंड मैनेजर या फिर एप्स एंड नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है अपना एम रिवॉर्ड मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करेंगे, ढूंढ लेना है, ठीक है, जहाँ पर भी है उसे आपको ओपन करना है और इसका डाटा और कैच आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप डाटा कैचे या फिर डाटा स्टोरेज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, स्टोरेज और कैचे या फिर डाटा कैचे, तो उससे पहले आपके पास उसका मतलब आईडी वगैरह होना चाहिए, बाद में आप उसे लॉगिन भी कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको लॉगिन भी करना है और जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो ध्यान में रखें आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से चलना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट आपको स्पीड वाला इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास इंटरनेट स्पीड से नहीं चल रही है तो उस केस में भी आपको दिक्कत आएगी, आपका जो है एम रिवॉर्ड सही से काम नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखती है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आराम से फिक्स यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।